सबसे पहले मैं डॉक्टर चुना आपसे पूछना चाहूंगी कि आप एक ऐसे खाली मतलब इनफैक्ट स्कूल एजुकेटर हैं जिनको पद्म भूषण मिला, पद्मश्री मिला, इनफैक्ट कितने सारे खिताब आपने जीते हैं, पर आप एक सबसे पहले आप एक माँ हैं, आप एक औरत हैं, बच्चा विद स्पेशल नीड्स रेस करना, वो भी तब कितना मुश्किल था, क्या चैलेंजेस थे, मतलब तब और अब में हम कितना फर्क देखते हैं, कितनी ग्रोथ हो गई है, क्या चेंजेस आप देखते हैं? तो मैं आपसे सबसे पहले तो एक बात कहूंगी, वो ये है कि मुझे बहुत घमंड है कि मैं एक औरत हूँ, और वो भी हिंदुस्तान में। और मेरे अगले साल में भी मैं चाहूंगी कि मैं एक जन्म जो लूँ, एक माँ का लूँ और हिंदुस्तान में ही लूँ। दूसरा मेरा सपना है, अगले जन्म में मैं फिर तमन्ना जैसी लड़की की माँ बनूं, जिससे कि मुझे मौका मिले कि मैं लोगों को समझा सकूं कि इस दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं। फूल भी तरह तरह के होते हैं, पेड़ भी तरह तरह के होते हैं, लेकिन हमको एक ही तरह के लोगों से मिलना पसंद है। ये सब चीजें जो हैं वो धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही हैं, और आने वाले समय में मेरे अगले जन्म में शायद मैं और ज्यादा कर पाऊंगी। कुछ ये सब अवार्ड मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी नहीं है, मेरे लिए एक ही बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं तमन्ना की माँ हूँ। जी, एक्चुअली वो हम देख सकते हैं कि जो आपने तमन्ना क्लिक एज अ सपोर्ट, अगर मैं तमन्ना आपसे पूछना चाहूंगी, आपने इतना कुछ अपनी जिंदगी में हासिल किया, आपकी मदर इतने प्राउड हैं, उन्होंने मतलब सबसे कहते हैं, उनको इतने अवार्ड्स मिले, लेकिन आई थिंक उनके सबसे बड़ा जो प्राइड है वो आप हैं। तो हाँ, तमन्ना, आपने ये कैसे अचीव किया इतना कुछ? आप चल नहीं सकते थे, आप बात नहीं कर सकते थे, और अब आप मैराथन में भागते हैं, डांस करना सीख रहे हैं, मतलब हर कुछ आपने अचीव किया, आप टेड टॉक्स पे जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, अपने अचीवमेंट के बारे में बताएं, क्योंकि आप कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं। उनका 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 बहुत अच्छा रोल आ, आ, रहा है। और क्योंकि मैं उनकी आ, 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 बेटी हूँ, और मैं उनकी सारी बातें मानती हूँ। और मुझे लगता है कि जो जो मैंने अचीव किया है वो मेरी माँ बाप के वजह से ही है। मैं उनको अपना सब कुछ आ, आ, देना चाहती हूँ, और मैं उनको आ, 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 बोलती हूँ कि आपके साथ भगवान है। और जो मेरी जन्म हुई थी वो मुझे सेरेब्रल पॉल्सी भी थी। मुझे बचपन में मैं चल नहीं सकती थी, और मैं मुझे ये लगता था कि किसी भी तरह मैं चलूं। मम्मी मुझे लंदन लेके गई, बिलौर, बॉम्बे, अमेरिका, कहाँ कहाँ नहीं लेके गई मम्मी मुझे। और मुझे लगता है कि मैं इतनी खुश हूँ सबसे। और मुझे लगता है कि सबसे मैं उनकी लाडली बेटी हूँ। लगता नहीं आप जरूर हैं, आपकी मम्मी ने अभी यही कहा था, इनफैक्ट आपने इतनी अच्छी तरह सारा मतलब शेयर किया हमारे साथ। डॉक्टर चोना, आपने कितने सालों से मतलब आप एज अ टीचर प्रिंसिपल बच्चों के साथ काम किया है, आपके हिसाब से, आपके ख्याल से कितना जरूरी है हम इंक्लूजन की बात करें, बच्चों को यंग एज से सेंसिटाइज करें, वेदर इट इज डिसेबिलिटी या कोई भी चीज हो, क्योंकि अब बहुत जरूरी है कि हम किसी को पीछे ना छोड़े। इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहता है कि वी शुड नॉट लीव एनीबडी बिहाइंड। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें
ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि देखा गया है कि इतनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है दुनिया में, क्लासरूम्स में, स्कूल्स में, कि जो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, वो यही चाहते हैं कि जितने भी बच्चे जो बहुत लायक हैं उन पे पूरी कॉन्सेंट्रेशन हो। लेकिन अब जमाना जो है वो ये समझने का है कि हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट ऐसा होता है जिसको हम निकालें, उसका नाम है विद्या। विद्या ये नहीं कि किताबी कीड़ा बन जाए और इनको रटाना सिखा दें। असली विद्या वो होती है जहां प्यार हो, जहां समझ हो, जहां अकल हो, और जहां जो हम पढ़ते हैं उसको हम लागू कर सके। तो ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसे ऐसे वीडियोस होने चाहिए जिससे कि बच्चे देखें, माँ बाप देखें, ऐसी फिल्में बने, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा एक हाथ हो सकता है, तो दुनिया बदल जाएगी और बदल रही भी है। आपने जैसे विद्या की बात की, तमन्ना आपने हाल ही में एक किताब लिखी है, हाँ जी, उसके बारे में बताइए। किताब लिखने का आपने कैसे सोचा, क्यों सोचा, आपको कैसे, आप मोटिवेट कैसे हुए? मेरी मेरी एक कजन बहन है, उसने उसने मुझे बहुत बहुत कहा कि चलो तमन्ना हम बुक लिखते हैं। तो मैंने मैंने अपनी थॉट प्रोसेस उसके साथ शेयर की। मैंने मैंने मैं मैंने उससे कहा कि ये ठीक नहीं है पेज, ये ठीक नहीं है। और मैंने जो सिर पे वो मेरे दिमाग में आया कि भाई अगर बुक लिखनी है तो हमको पेज टू पेज पढ़ना पड़ेगा। और फिर मैंने उसको कहा याद थी चलो हम अपना थॉट प्रोसेस ठीक करते हैं। और फिर एक दिन मेरे दिमाग में कुछ सूझा कि भाई अगर हम किताब लिखेंगे, पब्लिश करेंगे, हमने पूरे स्कूल्स को दी, DPS गुड़गांव सबको, ये दुनिया की ही बात बनी कि भाई ये तमन्ना की बुक है जो सर्विस पॉलिसी के बारे में है। और मैंने अपनी कदम से आत्मकथा लिखी अपने जीवन की। और आपको ये भी खुशी होगी कि मैंने सारे बैरियर्स क्रॉस किए, आपने सारे बैरियर्स क्रॉस किया है और कितने लोगों को इंस्पायर किया है। आई थिंक दैट इज व्हाट, जो मतलब जिस तरह का लव आप देते हैं, आपकी मम्मा ने जैसे कहा, मैम आपके हिसाब से, जैसे आप जो तमन्ना एनजीओ है, एक आखिरी सवाल है वो, आप लोग ने कितने साल हो गए हैं, तो उस एनजीओ के जरिए भी आप कितने बच्चों को हेल्प कर रहे हैं रिहैबिलिटेट करने में, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने में। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जर्नी जो तमन्ना से ऑब्वियसली शुरू हुई थी, तब और अब में कितना फर्क आ गया है डिसेबिलिटी की बात करें तो? अगर हम एक्चुअली ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, क्योंकि तमन्ना का जब जन्म हुआ तो मैं टूट गई थी। मैंने सोचा था कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, ये नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी शुरू हुई है, एक नया दौड़। और उस दौड़ में मैं अकेली रह गई थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मेरा विश्वास है कि अगर मेरी एक समस्या है और उस समस्या को मुझे झेलना है, तो मैं अकेली नहीं झेल सकती,
मुझे अपना परिवार, मुझे पूरा संसार साथ लेके चलना पड़ेगा। और उन उस मेरे हस्बैंड, मेरे मेरा 2 साल 9 महीने का बच्चा तक तमन्ना की बेबी सिटिंग करता था। उसके पश्चात डीपीएस के बच्चे उसकी बेबी सिटिंग करते थे। और तमन्ना में एक ऐसी अट्रैक्शन थी कि उसका स्माइल, वो ऐसा स्माइल करती थी जिसमें से प्यार ही प्यार झलकता था और सब उसको प्यार करते थे। और वो मेरी ही तमन्ना ना रह गई थी, वो संसार की तमन्ना बन गई थी, वो डीपीएस की तमन्ना बन गई थी। और मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। और फिर जब हमने क्वीन ऑफ इंग्लैंड को चिट्ठी लिखी कि हम बिल्डिंग को इनॉग्रेट करना चाहते हैं, तो मुझे लोगों ने कहा, अरे तुम पागल हो, एक टीचर की कोई सुनता है? लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि मुझे जवाब आया कि लेडी डायना 1992 में आ रही हैं, तो वो आपकी बिल्डिंग इनॉग्रेट करेंगे। अरे वो तो एक, जिसे कहते हैं ना, भगवान सुनता है, आपकी आवाज वहां तक पहुंचती है। तो पूरी इंडिया जाग गई, अरे ये कौन सी एक ये है संस्था है जहां पे कि लेडी डायना आ रही है, वो भी वो 2 दिन के लिए और एक आधा दिन हमारे साथ। तो ऐसे लगने लगा कि जिंदगी एक मिरेकल है, लेकिन इस मिरेकल को समझने के लिए तमन्ना का पैदा होना जरूरी था। और उसके जन्म से न जाने हजारों लाखों पॉलिसीज भी बनने लगी, लोग भी समझने लगे, और आज के दिन में इंक्लूजन एनईपी का एक बहुत बड़ा भाग है। हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर होना जरूरी है। तो एक लंबा सफर है और मैं आशा करती हूँ कि ये सफर चलता रहेगा, इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी। और मुझे बार बार जन्म लेना है, एक स्त्री का और वो भी एक माँ का। In fact, thank you so much, ma'am and Tamanna. मतलब मैंने ही आज इतना आपसे सीखा है. I think you know the real meaning of love. Thank you so much. आपने हमें इतना समय दिया. बहुत बहुत शुक्रिया. सारा समय आपके लिए है.